कि लखनऊ से एक व्यापारी को अगवा किया जाता है और उसे देवरिया जेल जबरदस्ती लाया जाता है, जहां उसके साथ मारपीट की जाती है। ऐसे में जेल प्रशासन क्या कर रहा था? वहीं जेल प्रशासन ये बयान देता है कि कोई मारपीट नहीं हुई है और वो मुकेश जायसवाल खाली मिलने आता है। क्या है ये पूरा मामला? जी, आपको बता दें कि मामला 26 तारीख को है, जो अतीक अहमद द्वारा उनके गुर्गो द्वारा लखनऊ के एक इंफ्रा कारोबारी को लखनऊ से लाके और देवरिया जेल में मारा पीटा जाता है। और वहीं इस खबर पे जब इस खबर को प्रमुखता से लाइव टुडे ने दिखाया तो इस पे कार्रवाई हुई और उस पे जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान ने कल देर रात जिला जेल पे छापा मारा। जी, लखनऊ से एक व्यापारी को अगवा करके जबरदस्ती जेल में लाया जाता है, मारपीट की जाती है, उस वक्त जेल प्रशासन क्या कर रहा होता है? और उसके बाद जेल प्रशासन का ये बयान आता है कि कोई मारपीट नहीं हुई है, मुकेश जायसवाल केवल मिलने आया था और मिलके चला गया था। तो सच क्या है, क्या है मामला और क्या बयान पुलिस अधिकारियों की ओर से आ रहे हैं? जी, आपको बता दें कि इस मामले पे जब लाइव टुडे ने जिला जेल अधीक्षक से बातचीत की तो उन्होंने साफ कहा कि इस जो भी ये घटना है ये जेल के अंदर नहीं घटित हुई है। लेकिन जब इसी मामले पे हम लाइव टुडे की टीम ने जब जिलाधिकारी से बात की तो उन्होंने ये कहा कि जो जेल के अंदर जो सीसीटीवी फुटेज जो रिकॉर्डिंग थे उसमें छेड़छाड़ किए गए हैं, ये कहीं ना कहीं ये जेल प्रशासन के ऊपर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। जी, ऐसे में एसएसपी का, पुलिस के बड़े अधिकारियों का क्या बयान आया है इस मामले में? क्योंकि जेल के अंदर का मामला है, सुरक्षा के ऊपर सेंध लगाई गई है और जेल के अंदर से ही अतीक अहमद की बाहुबली गुंडागर्दी सामने आई है। अभी तक इस मामले पे पुलिस के द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, ना इस पे इस मामले पे अभी कोई बयान आया है। इससे केवल जिलाधिकारी ने ही जो भी कहा है वो जिलाधिकारी ने ही कहा है कि जिलाधिकारी छापा मारा और उसके दौरान उन्होंने कहा कि जो सीसीटीवी में रिकॉर्ड फुटेज के साथ जो छेड़छाड़ की उसके बाद जांच करा के उस पर कार्रवाई की जाएगी और उसके जो भी दोषी होंगे उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। जी, धन्यवाद सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हमें यह अहम जानकारी देने के लिए। तो जिला जेल का यह पूरा मामला है देवरिया के, जहां एक व्यापारी को लखनऊ से अगवा कर लाया जाता है और वहां पे जबरन उससे 45 करोड़ की संपत्ति साइन करा ली जाती है और मारपीट उससे की जाती है। वहीं इस मामले में सीसीटीवी फुटेज से भी छेड़छाड़ की जाती है और वहीं जेल प्रशासन कहता है कोई भी मारपीट जेल के अंदर नहीं हुई है, वो केवल मिलने आता है और चला जाता है।